हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में एक टिफ़िन रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही हेल्थी एंड इजी भी है। देखो, ये है हरी मूंग दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था और उसको मैं अब स्प्राउट होने के लिए भी रख दूँगी। वैसे तो ये रेसिपी स्प्राउटिंग के बगैर भी आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्राउट इसलिए किया कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स दुगने हो जाते हैं। इसलिए दो दिन रात को मुझे ये स्प्राउटिंग के लिए रखना पड़ता है। वैसे आप उसके ऊपर पानी को ना थोड़ा छिड़क छिड़क के रखेंगे तो वह इतने स्प्राउट्स आ जाएंगे दो दिन में। अब उसके साथ देखें, बड़े से दो बाउल मैंने स्प्राउट्स लिए। आधा कप मैंने राइस फ्लावर, अदरक, सूखी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, इतना ही ऐड किया और थोड़ा पानी लेके हम उसको अच्छे से फाइन डोसा बैटर की तरह पेस्ट बनाएंगे। आप साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर होता है ना, वही ऐड किया है। बस बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप डायरेक्ट रात भर मूंग को सोक करके सुबह में ऐसे पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसको स्प्राउट किया है बस। चलो, हेल्थी डोसा बैटर रेडी हो गया, तो उसके लिए हम चटनी भी बना लेंगे। आज वाइट कोकोनट चटनी की रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। एक कप श्रेडेड कोकोनट, एक कप चना दाल दैट इज़ फुटाने, वो भी रोस्टेड चने दाल होते हैं, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा नमक और हरी धनिया। आप चाहें तो एक कली लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं। जितना पानी चाहिए उतना पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और उसको फाइन पेस्ट कर लें। बहुत ही क्विक बनने वाली चटनी है, इसमें कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं। जस्ट पीसना है और ऊपर से गर्मा गर्म तड़का लगाना है। तड़के में सिर्फ राई दाना, उड़द दाल और कड़ी पत्ता, तेल में उसको फ्राई करके डालना है। बस हमारी चटनी तैयार हो गई। और डोसा देखें, तवे को बहुत गर्म होने बिल्कुल मत देना। बहुत गर्म हो गया तो पानी स्प्रिंकल करके नॉर्मल करें, फिर आप डोसा बैटर इस तरह से स्प्रेड करें। आपको डोसा बनाना नहीं आता है तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे ना तो आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत गर्म नहीं। ऐसे अच्छे से स्प्रेड करें और ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करें ऑयल या फिर घी, आपका अपना ओन चॉइस है। हम तो ऑयल ही यूज़ करेंगे अभी। देखो, इसको दोनों तरफ से हम फ्राई करेंगे ताकि वो किसी भी तरह से कच्चा ना हो। दोनों तरफ से फ्राई करना पड़ता है। दूसरे और तरीके में भी ये डोसे बनाते हैं। अगली बार बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी मैं। अब देखो, यही हमारे घर का सिंपल ब्रेकफास्ट था। ये ब्रेकफास्ट में भी हम ये प्रिपेयर करते हैं, डिनर में भी ये प्रिपेयर करते हैं। बहुत हेल्थी, बहुत ही टेस्टी और हेल्थ बेनिफिट्स तो दुगने हो जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए कुकिंग सेगमेंट में सिर्फ इतना ही रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ, एक डोसा रेसिपी और चटनी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे मुस्लिम विलेज और पैलेस्टीन विलेज। ये विलेज क्या होता है, यहाँ पे ब्रैनफोर्ड में ना इंटरनेशनल विलेज बोल के एक पासपोर्ट मिलता है। आप वो हर विलेज के एंट्रेंस में ले सकते हैं। उसमें वैरायटी ऑफ विलेजेस आप देख सकते हैं, मतलब पोलिश विलेज या फिर न्यूयॉर्क, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग अपनी अपनी एक जगह में, वो उनका सारा ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे उनका खाना क्या होता है, उनके कपड़े कैसे होते हैं, उनका कल्चर क्या है, सब कुछ आप वहाँ जाएंगे तो दिख जाता है। यहाँ के कैनेडियन सब होते हैं ना, ज़रूर अपने बच्चों को सारे डिफरेंट विलेजेस पे लेके जाते हैं और उनको सब अलग अलग विलेजेस का नॉलेज ज़रूर देते हैं, ताकि वो लोग मल्टी कल्चर को अच्छे तरह से समझें। इसमें इंडियन विलेज भी था, मुस्लिम विलेज और पैलेस्टीन विलेज, ये दो विलेज ही हम जा रहे हैं आज। ये तीन चार दिन चलता है। चार दिन में आप सारे विलेजेस आराम से कवर कर सकते हो। देखो, फ्री बस सर्विस भी होती है, शटल होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्री बसेस होते हैं। आप आराम से एक विलेज से दूसरे विलेज, दूर दूर होता है, इतना करीब भी नहीं होता है, तो बस भी आपको फ्री मिल जाती है। आप देखो, ये मुस्लिम विलेज है, यहाँ पे
हर तरह के मुस्लिम्स के स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस, उनके कपड़े कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके स्मॉल बिजनेस, ये सब देखो। आयज़ा कलेक्शन, ये हमारे ब्रांडफोर्ड की, ये एक अच्छी डिज़ाइनर है, हमारी फ्रेंड भी है, हम इनके पास भी अच्छी शॉपिंग करते हैं। अब देखो ये वाला है ना, हमारे दोनों फ्रेंड्स मिलके एक काउंटर लगाया है। एक था मिनी मार्ट, जिसमें बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें लाइक हैंड बैग्स, क्लिप्स, पर्स, वैसी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। और एक और फ्रेंड का था स्काफ। दोनों फ्रेंड्स मिलके एक जगह पे अपना काउंटर लगाया ना, तो बहुत मज़ा आया। इन सब शॉपिंग के अलावा ना, यहाँ पे मुस्लिम विलेज में हमारा मुस्लिम फूड भी बहुत ही स्पेशल था। यहाँ पे बटर चिकन, बिरयानी, कबाब्स, रोल्स, वैसे सब था, प्लेटर्स भी अच्छे थे। बहुत सारे लोग ना, ये गोरे लोग सब आके बैठ के यहाँ पे खाना भी बहुत एंजॉय करते हैं। माइल्ड थे फ्लेवर्स, सबको सबके पैलेट में फिट होता ना, वैसा वाला ही था। तो चलो, यही था छोटा सा एक हमारा मुस्लिम विलेज। और इसके बाद में एक और दूसरी तरफ हमारी मस्जिद में ही ना पैलेस्टीन का विलेज अलग रखा हुआ था, वो भी हम लेके जाके दिखाएंगे। वहाँ पे भी फूड था, कुछ शॉपिंग थी, लेकिन वो सब मैंने नहीं कवर किया। वहाँ पे ना उन लोगों ने एवरी 2 आवर्स पे एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें उन लोगों का ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल कपड़ों का फैशन शो, वैसे सब प्रोग्राम्स रखे हुए थे। वो बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत सारे लोग वो बहुत एंजॉय कर लेते थे। मैं वो क्लिप्स भी मैंने ऐड किए हैं, ज़रूर चेक करना। वो हमारी मस्जिद काफ़ी बड़ी है, तो एक तरफ ये मुस्लिम विलेज और दूसरी तरफ देखो ये अब आ गया है पैलेस्टीन विलेज। ये हफ़्ता सारा हमारा बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, इसलिए मैं दूसरे विलेजेस नहीं जा पाई, जबकि वहाँ के इंडियन विलेज वो सब ना, चाइनीज़ विलेज सब अच्छा रहता है, हम वो सब नहीं गए। बस इतनी 2 विलेजेस में ही हम खुश हो गए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी भी पसंद आई होंगी। ज़रूर एक लाइक दे दें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ली। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।